दोस्तों, एक बार चित्रगुप्त यमराज जी से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, जो भी मृत्यु आत्माएं आपके पास आती हैं, उनमें से ज्यादातर लोग दुखी और गरीब ही होते हैं। उनके पास दान करने के लिए ना धन होता है और ना भगवान की पूजा करने की सामग्री। फिर यह सभी मनुष्य कैसे पुण्य कर पाएंगे? कैसे इन्हें पुण्य का फल मिलेगा? हे प्रभु धर्मराज, आपको तो सभी के भूत और भविष्य का ज्ञान है, तो फिर आज मुझे बताइए कि मनुष्य को धनवान बनने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए तथा गरीबी में होते हुए वह मनुष्य किस प्रकार पुण्य प्राप्त कर सकता है? मेरी इस दुविधा को आप दूर कीजिए। तभी यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, तुमने उचित कहा है कि हमारे पास आने वाले सभी प्राणियों में ज्यादा से ज्यादा दुखी और गरीब ही होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब व्यक्ति पुण्यवान नहीं हो सकता। बहुत से लोग धनवान होने पर भी पाप करते हैं। उनके पास बहुत सारा धन होते हुए भी वह दान धर्म पुण्य नहीं करते, जिस कारण से उनके पुण्य कार्मिक नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसकी दरिद्रता के कारण होते हैं। वह जिस प्रकार का कर्म करता है, उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। इस विषय पर एक प्राचीन इतिहास है जो आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इसको ध्यान से सुनना। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। फिर चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। तुम कथा सुनाइए। इस कथा को तुम्हारे मुख से सुनना मेरा सौभाग्य होगा। फिर धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, यह प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक राज्य था। उस राज्य में पानी नामक एक वेश्या रहा करती थी। उसके हाथों से जाने अनजाने में ना जाने कितने पाप हुए थे। वह हर रोज जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी और ग्राहक का इंतजार करती रहती थी। उस मार्ग में जाने वाले पुरुष उस वेश्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाते थे और उसे धन देकर उसके साथ भोग विलास किया करते थे। इस प्रकार उस वेश्या का यह नित्य कर्म था। वह हर रोज वन में जाती और मतवाले पुरुषों के साथ में भोग विलास करके धन प्राप्त किया करती थी। ऐसा करके उसने बहुत सारा धन एकत्र किया था। फिर एक दिन उस मार्ग से एक ब्राह्मण जा रहा था। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को देखा और वह ब्राह्मण अत्यंत ही दरिद्र था। उसके पास धन कमाने का कोई भी साधन नहीं था। उसने जब उस वेश्या को आभूषण पहने हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं कितना धर्म कर्म करता हूँ। मैं हर रोज ईश्वर की भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। किंतु इस वेश्या के पास कितना धन है। पाप करने पर भी यह कितनी धनवान बन चुकी है। आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि वह कैसे इतना धनवान बनी है। फिर वह ब्राह्मण उस वेश्या के पास जाता है और उससे पूछता है कि हे वेश्या, तुम तो इतने पाप करती हो, फिर भी इतनी धनवान हो। इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ब्राह्मण ने कहा कि मैं पुण्य कर्म करके भी धनवान नहीं हूँ और तू पाप कर्म करके भी इतनी धनवान है। तब उस वेश्या ने कहा कि ब्राह्मण, इस धन का मेरा क्या उपयोग? अंत में तो मुझे नरक में ही जाना है। इसीलिए जितने भी सुख हैं, मैं यहीं पर भोग रही हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे नरक में जाकर दुख भोगने हैं और मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ। तब वह ब्राह्मण कहता है
कि हे वेश्या, मैं अत्यंत ही दरिद्र हूँ। तुम अगर मुझे धन कमाने का उपाय बताओ तो मैं तुम्हें अपना सारा पुण्य दे दूंगा, जिससे तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह वेश्या बहुत प्रसन्न होती है और कहती है, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो कि मैं किसी की दासी बनकर नहीं रही हूँ। मैं दूसरों से धन तो लेती हूँ, पर मैं किसी के वश में नहीं रहती हूँ। मैं मेरी इच्छा से ही कार्य करती हूँ। मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, क्योंकि दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला मनुष्य हमेशा दरिद्र ही रहता है। जो मनुष्य स्वयं उद्योग करता है, धन उसी के पास आता है। एक मनुष्य को कभी भी किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग उसके अधीन होकर रहे। जो दूसरों के अधीन होकर रहता है, वह एक दिन नष्ट हो जाता है। मेरे पास जितने भी पुरुष रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं रहती, बल्कि वह मेरे अधीन रहते हैं। वैश्या की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना सारा पुण्य देकर कहता है कि हे वैश्या, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगा। ब्राह्मण अपने गांव जाता है और अपने गांव में जाकर लोगों के बीच में अपने ज्ञान का प्रचार करने लगता है, अपने ज्ञान से लोगों को प्रसन्न करने लगता है, जिससे अधिक से अधिक लोग उसके पास आने लगते हैं। और वह दूसरों के घर पर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता, बल्कि उसके घर पर लोग आकर खुद अन्न तथा धन धान्य संपत्ति भेंट करने लगते हैं, जिससे ब्राह्मण के पास भी बहुत सारा धन एकत्र हो जाता है। इतना सारा धन देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है और फिर वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है। वह दान धर्म करना बंद कर देता है और कभी भी गरीबों की मदद नहीं करता। और फिर एक दिन काले सर्प के काटने से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उधर उस वेश्या की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में जाने पर यमराज उस वेश्या को अपने पास बुलाते हैं। यमराज के यमदूत वेश्या को यमराज के पास ले जाते हैं। वही पास में ही चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। वह उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और वह उस वेश्या को स्वर्ग भेजने के लिए कहते हैं। फिर वह वेश्या प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक जाने लगती है। फिर उस ब्राह्मण की बारी आती है और ब्राह्मण थर थर कांपते हुए यमराज के आगे पहुंचता है। फिर उसके बाद चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण का सारा पुण्य तो शून्य हो चुका है। इसने अपना सारा पुण्य उस वेश्या को दे डाला है। अब तो इसके पास सिर्फ पाप ही बचे हैं। यह सब सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और फिर धर्मराज कहते हैं, हे दूतों, तुम इस ब्राह्मण को कुंभीपाकम नरक में डाल दो, यह उसी दंड का अधिकारी है। फिर यमराज के दूत उस ब्राह्मण को कुंभीपाकम नरक में डाल देते हैं। जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल में गिरता है तो वह झटपटाने लगता है, उसका अंग अंग जलने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यह मैंने क्या कर दिया, अपने सारे पुण्य उस वेश्या को दे दिया, धन के लालच में मैं यह मैंने क्या कर दिया, अब कोई मेरी मदद करो। पर वहां उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वह ब्राह्मण उस नरक की सजा बड़े ही कष्टों के साथ भोगने लगता है। फिर धर्मराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, उस ब्राह्मण ने धन के लालच में अपना सारा पुण्य उस वेश्या को दे डाला। धन के लालच में उस ब्राह्मण ने बहुत सारे पाप भी किए, किंतु उस वेश्या ने धन का लालच ना करते हुए उस ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया, जिस कारण से उस वेश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। पृथ्वी पर धन मनुष्य को सुख जरूर देता है,
किंतु मृत्यु के बाद पुण्य ही उसके काम आते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी धन के लालच में अपने पुण्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। धन के कारण मनुष्य पृथ्वी लोक पर सुखी जरूर हो सकता है, लेकिन उस धन को पाने के लिए जो उसने पाप किए हैं उनका दंड उसे जरूर भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा मनुष्य को धन धर्म के मार्ग से कमाना चाहिए। मनुष्य धर्म के साथ धन कमाकर उसका उपयोग करे और दान धर्म करता रहे, किंतु कभी भी अन्याय से धन कमाकर उसका उपयोग ना करे। जब अन्याय से धन कमाता है तो उसके सभी परिवार के लोग उसका उपयोग करते हैं, किंतु जब पाप भोगने की बारी आती है तो सिर्फ उस मनुष्य को ही पाप भोगने पड़ते हैं। जिन्होंने उसके धन का उपयोग किया होता है वह तो स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से धर्मराज ने चित्रगुप्त को धर्म और पाप पुण्य का ज्ञान दिया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी।